गोसीखुर्द बांध के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश और गोसीखुर्द बांध से पानी छोड़े जाने से वैनगंगा नदी में 15 अगस्त से 18 अगस्त तक बाढ़ आई हुई थी। बाढ़ का पानी नदी के किनारे खेतों में घुस गया था। इससे खेतों में धान, सोयाबीन, अरहर समेत अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ। इससे किसान परेशान हो गए। इसलिए राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक विजय वडेट्टीवार ब्रह्मपुरी तालुका के किन्ही, रुई, नीलस, कांगलवाड़ी खेतों में गए और क्षतिग्रस्त कृषि का निरीक्षण किया। उन्होंने इस मौके पर मौजूद प्रशासन के अधिकारियों को भी क्षतिग्रस्त कृषि का तत्काल पंचनामा बनाने का निर्देश दिया। इस मौके पर तहसीलदार उषा चौधरी, कांग्रेस पदाधिकारी और किसान भारी संख्या में मौजूद रहे। प्रशासनाला आम्ही सगळ्या सूचना दिल्याच आहे। प्रशासनाने कसून सगळे पंचनामेचं काम सुरू केलेलं आहे, परंतु शासनाला आमची अपेक्षा आहे की हे किमान 40,000 रुपये, 37,000 ते 40,000 रुपये हेक्टरी जर दिले तरच शेतकरी उभा राहू शकेल आणि या संकटावर मात करू शकेल। अन्यथा भविष्यात शेतकऱ्याला जगणं कठीण झालेलं आहे, याची सुद्धा शेतकऱ्यांच्या संदर्भात लक्ष घालण्याची सरकारने आवश्यकता आहे। लव्ह यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।